हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ सिक्स क्लास, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो इन द प्रीवियस चैप्टर्स हमने देखा कि आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। तो सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स की ही नहीं, हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी बहुत वैरायटी होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स आप अपने आसपास देखते होंगे, आपकी सराउंडिंग में ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते होंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड डिफरेंट यूजेस, उनके यूज़ अलग अलग होते हैं। तो आप अपने पास देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए जो ऑब्जेक्ट्स राउंड हैं। तो आप कहोगे रबर बॉल है, फुटबॉल है, ये आप राउंड ऑब्जेक्ट्स में एग्जांपल दोगे। यदि आपको कहा जाए कि नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स और इंक्लूड करो, तो आप इसमें एप्पल, ऑरेंज, अर्दन पोट, पानी का जो घड़ा होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। सो देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। सॉर्टिंग मीन्स होता है ग्रुपिंग करना, अलग करना। किस बेसिस पे आप उनको अलग कर सकते हो? यू कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यू कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यू कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। जैसे आपसे कहा जाए कि मेक ए लिस्ट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, तो इसमें आप कहोगे बकेट्स है, आपका लंच बॉक्स है, टॉयज है, वाटर कंटेनर्स है, पाइप्स है एंड मैनी मोर्स ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी प्लास्टिक से बने हैं। तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ वुड और पेपर। तो वीडियो पॉज करके आपने देखा होगा, आपने लिस्ट बनाई होगी। तो आपके पास अब 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो वुड और पेपर से बने हैं, और एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो वुड और पेपर से नहीं बने हैं। तो यहाँ पे आपने किस बेसिस पे सॉर्टिंग की है? द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, मतलब जिस मटेरियल से वो मिलके बने हैं। तो अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं और मटेरियल्स होते क्या हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एक जो आपने कोई डिश बनानी हो, कोई मतलब फूड आइटम बनाना हो, तो वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इज़ ए थिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से भी बना हो सकता है। जैसे एक वुडन चेयर है जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ लकड़ी से बनी है, बट एक ऑब्जेक्ट है वो मैनी मटेरियल से भी मिलके बना हो सकता है। जैसे पेंसिल है, इसमें ग्रेफाइट का यूज़ भी हुआ है, इसमें वुड का यूज़ भी हुआ है, इसमें मेटल का यूज़ भी हुआ है, और पीछे रबर भी लगी है। तो इसमें चार मटेरियल्स का यूज़ हुआ है इस ऑब्जेक्ट को बनाने में। तो आई होप अब आपको क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट है दैट इज़ ए थिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। और मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल इज़ वट एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है पेंसिल, और पेंसिल बनाने में जो मटेरियल्स हुए हैं वो है वुड, मेटल, ग्रेफाइट एंड रबर। तो मटेरियल्स जिनसे मिलके ऑब्जेक्ट बना है। अब ऑब्जेक्ट्स जो बने होते हैं दे आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल। जैसे अगर आप टेबल चेयर की बात करो, तो उसके बनाने में कौन कौन सी मटेरियल यूज़ हो सकते हैं? वुड है, प्लास्टिक है, आयरन की भी हो सकती है टेबल चेयर। तो सिमिलरली टॉयज़ हैं जो, वो भी वुड, प्लास्टिक और पेपर से मिलके बने हो सकते हैं। शूज़ हैं आपके, लेदर के हो सकते हैं। क्लोथ्स हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, कॉटन के हो सकते हैं, सिल्क के हो सकते हैं, पॉलिएस्टर के हो सकते हैं, नायलॉन के हो सकते हैं। जैसे रसोई में आप देखते हैं आपके जो बर्तन हैं, वो कुछ बर्तन प्लास्टिक के हैं, कुछ आयरन के हैं, कुछ एल्युमिनियम के हैं, कुछ स्टील के हैं। तो मतलब आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटीज़ ऑफ मटीरियल। बट इसके अपोजिट अगर आप देखो, तो एक जो गिवन मटेरियल है दैट कुड बी यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी आपने देखा कि जो चेयर टेबल है वुड वुड की बनी हो सकती है, लेकिन वुड का यूज़ और किसी ऑब्जेक्ट्स बनाने में भी तो हो सकता है। चेयर टेबल के अलावा वुड से बेड बना सकते हो, डोर बना सकते हो, प्लो बना सकते हो, बुलॉक कार्ट बनाया जा सकता है, बोट बनाई जा सकती है। सिमिलरली पेपर से बुक्स बना सकते हो, कैलेंडर्स बना सकते हो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पेपर बैग बना सकते हो। लेदर से सिर्फ शू ही नहीं बनते हैं, इसके अलावा बैग्स भी बनते हैं, जैकेट्स भी बनती हैं,
प्लास्टिक से देखो कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, पेंसिल बॉक्स है, टॉयज हैं, टेबल, चेयर, कंटेनर्स, बकेट्स, पाइप्स, तो ये बहुत सारे वो ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अब आप देखते हो कि आपके मन में भी क्वेश्चन आते होंगे कि ये विंडो है ग्लास से क्यों बनी होती है, एक कप है वो प्लास्टिक और क्ले का ही क्यों होता है, क्लॉथ का क्यों नहीं हो सकता, जो चेयर है वो टेबल, वो जो चेयर या टेबल है वो वुड या प्लास्टिक से क्यों बनी हो सकती है, पेपर की क्यों नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं कि उनको किस तरीके से यूज़ करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कप ऑफ टी को ले लो, ये आप देख रहे हो जो इसका, ये क्ले का कप है, इसका पर्पज़ है टू होल्ड द टी, बट अगर आप इस कप को क्लॉथ से बनाओगे और उसमें टी डालोगे तो टी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी वो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा यूज़ करने का। सिमिलरली विंडो में जो ग्लास लगा होता है, ताकि वो ग्लास की विंडो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप आर पार देख सको, लेकिन अगर आपने उसको ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट का बना दिया कि जिसके आर पार नहीं देख सकते, तो ऐसी विंडो का क्या फ़ायदा है। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो इसमें हमें अपीयरेंस, हार्डनेस, सोलिबिलिटी, फ्लोट और सिंक और ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है एक मटेरियल दिखता कैसा है। अब देखो दो ही तरीके से वो दिख सकता है, या तो वो बाहर से चमकता हुआ दिखेगा आपको, शाइनी होगा, लश्रस होगा, और एक वो बिल्कुल डल होगा, मतलब उसमें कोई चमक नहीं होगी। तो जैसे शाइनी मटेरियल्स में आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये चमकते हैं, इनका जो सरफेस होता है वो लश्रस होता है। और डल मटेरियल्स में एग्जांपल्स आ जाएंगे वुड एंड प्लास्टिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो ये सभी को पता होता है हार्ड मटेरियल्स वो होंगे विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्ट्रेच, जैसे आयरन है, वुड है, स्टोन है, ग्लास है, इनको ना तो आप दबा सकते हो ना इनको आप स्ट्रेच कर सकते हो। इसके अपोजिट जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं उनको आप कंप्रेस भी कर सकते हो और उनको स्ट्रेच भी कर सकते हो, जैसे कॉटन है, स्पंज है, रबर है, ये एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी में उन सब्सटेंस को आप सोलिबल बोलोगे विच कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन वाटर या किसी और लिक्विड में, जैसे पानी में आपने सोल्ट डाला, पानी में आपने शुगर डाली, डिजोल्व हो जाती है, तो उनको कहोगे आप वो सोलिबल है। इसके अपोजिट जो इनसोलिबल मटेरियल्स होंगे वो जो मिक्स नहीं होंगे वाटर में या जो डिसअपियर नहीं होंगे इवन आफ्टर वी स्टिर इट फॉर लॉन्ग टाइम, आप मिक्स करने की कोशिश भी करो तभी भी वो मिक्स नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो इनसोलिबल है। तो ये कुछ लिस्ट है मटेरियल्स की जो बताए गए आपको कि जो कौन से जो वाटर में सोलिबल होंगे और कौन से वाटर में इनसोलिबल होंगे, जैसे सोल्ट, शुगर सोलिबल है, सैंड है, चॉक पाउडर है, वो इनसोलिबल है। तो आप इस लिस्ट को देख लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।